गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोग घर पर सेफ होंगे। मैं सेल्फ राजेश्वरी भाटिया, स्टैंडर्ड फोर्थ हिंदी वन, उसका लेसन नंबर 12, मैरिगो, बॉक्सर मैरिगो। अब बॉक्सर यानी क्या, सबसे पहले वो समझिए, जो बॉक्सिंग करता है उसे बॉक्सर कहते हैं। अब बॉक्सिंग जो है वो एक स्पोर्ट्स है कि जिसमें दो लोग एक दूसरे के साथ ऐसे बॉक्सिंग करते हैं जिसमें ग्लव्स जो है वो पहने हुए होते हैं और एक बॉक्सिंग रिंग होता है। आप लोगों ने तो देखा ही होगा, टीवी में बहुत दिखाते हैं, जिसमें मार्क टायसन जो है उसका नाम बहुत है कि आप शायद उससे जान सको कि बॉक्सिंग क्या होता है। ऐसे घर में तो भाई बहन के साथ बॉक्सिंग होती है ना, बॉक्सिंग यानी एक खुद को दूसरे से बचाना, और उसके लिए थोड़े बहुत सारे नियम होते हैं कि किस तरह से किया जाता है वो आप इसमें देख सकते हो, टीवी में भी देख सकते हो और फोन में भी देख सकते हो। पर मेनली जो बेस है कि बॉक्सिंग यानी दो लोगों की लड़ाई, पर उसमें हाथ से ऐसे ही ऐसे नहीं, ऐसे हाथों से मारा जाता है। अब हमारा जो लेसन है बॉक्सर मैरीकॉम, मैरीकॉम जो है एक लेडी है और वो लेडी जो है बॉक्सिंग में उसको स्वर्ण पदक भी मिला है और ओलंपिक में उसको ब्रॉन्ज कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है। वो जो है वो पूरा आगे आएगा। उससे पहले स्टोरी जो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो आदित्य, रोहन और थीबा आंटी एक आएगी, जो जिनके घर आदित्य और रोहन जो है उनकी आंटी है, उनकी मम्मी की सहेली, और जगह कौन सी है, तो मणिपुर इम्फाल। मणिपुर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में आया हुआ है और इम्फाल जो है वो मणिपुर का कैपिटल है, हमारे ही देश का एक राज्य है, वहाँ की बात है। और भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश में भी लेडी जो है वो इतने आगे तक, और वो भी बॉक्सिंग, वो बहुत बड़ी बात है कि बॉक्सिंग में इतने आगे जाए। अब लेसन शुरू करती हूँ उससे पहले कि ये जो है वो पूरा बातचीत फॉर्म में है। तो जहाँ पर पहले ये पूरा था कि जो दो डॉट होते हैं उसमें कहा, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। लेसन नंबर 12, बॉक्सर मैरीकॉम। आदित्य और रोहन इम्फाल मणिपुर अपनी मम्मी की सहेली थीबा देवी के यहाँ छुट्टियों बिताने गए हैं। थीबा देवी की बेटी मासना आदित्य की अब थीबा देवी की बेटी का नाम क्या है, माशना, और आदित्य जो है और रोहन दोनों जो है वो थीबा आंटी के घर छुट्टियों में घूमने के लिए गए हैं और थीबा आंटी उनकी मम्मी की सहेली। इतना आपको क्लियर होना चाहिए कैरेक्टर्स। और इससे पहले शब्दार्थ आपको बता दूं कि हम उम्र यानी बराबर की उम्र का, सेम एज, अतिथि यानी मेहमान, प्रदर्शन यानी कार्य, जो हम प्रकार काम करते हैं उसको दिखाना उसे प्रदर्शन कहते हैं, सिद्ध यानी साबित करना, कांस्य यानी कांसा जो मेडल है, कांसा जो एक मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल जिसको कहते हैं, आत्मकथा यानी स्वयं के जीवन की कथा, खुद की जो ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है उसको आत्मकथा कहते हैं, और प्रशिक्षण यानी तालीम। अब सभी लोग लेसन पे ध्यान देंगे। आदित्य थीबा आंटी, आदित्य ने कहा थीबा आंटी कल हम इम्फाल घूमने जाए। इम्फाल जो है मणिपुर का कैपिटल है, उसकी राजधानी है। वो लोग जो है अपने आंटी के घर गए हैं घूमने के लिए, तो ऑब्वियसली बोलते हैं कि हम वो घूमने जाएंगे। मासना लड़की का नाम है, थीबा आंटी की लड़की जो आदित्य के सेम एज की। आदित्य कल नहीं, कल मेरे स्कूल में खेल दिवस है, परसों चलेंगे। कल क्या है, स्पोर्ट्स डे, खेल दिवस यानी स्पोर्ट्स डे, हमारे भी स्पोर्ट्स डे होता है ना, तो कल उसकी भी स्कूल का स्पोर्ट्स डे है। आदित्य ने कहा मासना तुम भी किसी खेल में भाग ले रही हो, अब बोल रही है कि स्पोर्ट्स डे तो है पर तुम भी किसी खेल में भाग ले रही हो। मासना, हाँ मैं बॉक्सिंग में भाग ले रही हूँ। मासना जो है वो कौन सी खेल में भाग ले रही है, बॉक्सिंग। लड़की और बॉक्सिंग, लड़की और बॉक्सिंग, लड़कियां जो है वो बॉक्सिंग नहीं करती, उनके खेल अलग होते हैं, इसीलिए रोहन जो है वो क्वेश्चन मार्क करता है कि लड़की होकर बॉक्सिंग में भाग लेगी। मासना ने कहा
इजेइंग मैरिको मैरी, ये नाम क्या तुमने नहीं सुना, वो भी एक लड़की है। दो दो सुना है, सुना है थी बा। जानते हो कल इसके स्कूल में खेल दिवस पर मैरी को मुख्य अतिथि है। जो स्पोर्ट्स डे होता है तो तभी कोई भी स्पेशल जो पर्सन है उसको बुलाया जाता है, तो उसमें कौन आने वाला था, मैरी को ही आने वाला था। आदित्य देखो, आंटी क्या दोनों भी मास्टर के खेल दिवस में जा सकते हैं, हम दोनों यानी आदित्य और रोहन, उनको भी मैरी को इतनी बड़ी पर्सनैलिटी आ रही है तो उनको देखने का मन होगा, उनसे मिलने का मन होगा, और वो बोलते हैं कि हम भी उनके स्पोर्ट्स डे में पार्ट ले सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। खेल की समाप्ति के अब सब लोग वहाँ पर चले जाते हैं स्पोर्ट्स डे में। अब तीनों बच्चे मैरी कॉम को घेर कर ऑटोग्राफ लेते हैं और उनसे कुछ सवाल पूछने की अनुमति लेते हैं। सब लोग कहाँ चले जाते हैं, मैरी कॉम के पास, और बड़ी पर्सनालिटी है सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, ये सब हमें दिखेंगे, महेंद्र धोनी। तब क्या करोगे, ऑटोग्राफ यानी कि कोई भी बड़ी हस्ती होती है वो हमें सिग्नेचर करके देती है अपना, वो हम अपने पास याद करके रखते हैं कि नहीं ये पर्सन हमें मिला था, तो वो लोग ऑटोग्राफ लेने चले गए। आदित्य ने कहा, आंटी आपकी बॉक्सिंग में रुचि कैसे हुई। अब उनसे सवाल जवाब शुरू होते हैं कि उनको आंटी कहते हैं, ये मैरी कॉम की से बात हो रही है, वो उससे बड़े हैं इसलिए उनको आंटी कहते हैं। मैरी कॉम पांचवें राष्ट्रीय खेल इंफाल मणिपुर में आयोजित हुए थे, इसमें महिला मुक्केबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, इसने मुझे इस खेल की ओर आकर्षित किया। फिर मणिपुरी बॉक्सर रिंको सिंह ने जब 1998 में बैंकॉक एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता, तभी मैंने फैसला कर लिया कि मैं भी बॉक्सर ही बनूं। अब कोई भी खेल होता है तो उससे आप आकर्षित होते हैं तो कुछ रीजन होता है, ऐसे ही कोई खेल में हम चले जाते नहीं है। तो मैरी कॉम जो है अभी बॉक्सिंग ही उसने क्यों चुना, वो भी एक क्वेश्चन है। बहुत सारे खेल है, क्रिकेट भी खेल लेडीज खेलती है, फुटबॉल भी खेलती है, बैडमिंटन भी खेलती है, पर आपने बॉक्सिंग ही क्यों चुना, क्योंकि पांचवा जो होते हैं जो नेशनल स्पोर्ट्स जो होते हैं वो फिफ्थ जो था वो मणिपुर में आयोजित हुआ था, अब हर बार हर एक अलग अलग जगह पर होता है, पर उसमें लेडीज मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग जो कर रही थी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, और उसी से मैरी कॉम जो है आकर्षित हुई, और उसके बाद जो लेडी है बॉक्सर रिंको सिंह उसने बैंकॉक के जो देश है उसमें एशियन गेम्स जो खेले जाते हैं उसमें जो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल जो है स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता, उससे वो बहुत ही प्रभावित हुई कि अब मैं भी बॉक्सिंग में ही, पहले से उसको दिलचस्पी तो थी पर जब देखा कि लड़की भी इतने आगे तक बढ़ सकती है, गोल्ड मेडल भी ला सकती, उसने डिसाइड कर लिया कि मैं बॉक्सिंग ही करूंगी। आपके बचपन में क्या लड़कियां मुक्केबाजी करती थी। अब मैरी कॉम जो है 1998 में उन्होंने देखा और तब वो बहुत छोटी थी, और उस समय में लेडीज का बॉक्सिंग फील्ड में जाना बहुत छोटी बात नहीं थी। नहीं, लोग कहते थे कि मुक्केबाजी पुरुषों के लिए है न कि महिलाओं के लिए। मुक्केबाजी कौन करता है, यानी कि जेंट्स करते हैं, बॉयज करते हैं, लड़कियां इसमें जा सकती नहीं। मैंने अपने आप से यह वादा किया था कि एक दिन मैं उन्हें गलत साबित कर दूंगी, और मैंने खुद को सिद्ध किया। अब कोई भी बात जब आपको मना करता है तो आप जब उस बात को सिद्ध नहीं करोगे तो फिर आप लोग सही बन जाएंगे, पर आपको सच्चा बनना है तो आपको उस बात में उस फील्ड में आगे बढ़ना होगा, आपको करके दिखाना होगा। ऐसे ही मैरी कॉम ने भी डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे ये करना है, और उसने वो साबित यानी कि साबित भी करके दिखा दिया। आदित्य क्या आप स्कूल जाती थी, स्कूल में यानी ऐसे ही
यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि पढ़ाई के साथ आप खेल कूद कर सकते हो, तो हाँ कर सकते हो। मैरी कॉम सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता, उन्होंने 10th पास नहीं किया पर खेल कूद में उन्होंने अपना नाम बताया। आपको भी लेसन पढ़ के ऐसा नहीं बोलना है कि देखो अब मैं खेल में आगे बढ़ूंगा, खेल में जाऊंगा तो चलूंगा, नहीं। आप में जो है वो चीज होनी चाहिए कि अगर खेल कूद में भी आप इंटरेस्ट ले रहे हो तो उसमें भी इतने आगे बढ़ सको। मैरी कॉम में था कि उसने सिद्ध करके बता दिया, साबित करके बता दिया कि भले मैं पढ़ाई में कम हूँ पर मैं स्पोर्ट्स में अपना नाम करके बताऊंगी। आप में जो भी एबिलिटी है, ऑलवेज बोलते हैं पेरेंट्स भी आपको बोलते हैं कि जिस चीज की एबिलिटी है उसको आगे आपको बढ़ाना चाहिए। आप स्कूल में कौन कौन से खेल खेलती थी? आप स्कूल में कौन कौन से खेल खेलती थी कि जिसकी वजह से तुम्हें आपको आगे बढ़े? मैरी कॉम, मुझे वॉलीबॉल, फुटबॉल और एथलेटिक्स पसंद थे। वॉलीबॉल, फुटबॉल और एथलेटिक्स के जो खेल है उनको पसंद। यहाँ तक हमारा पार्ट वन रखते हैं, फिर पार्ट टू जो है मैं आपको सिखाऊंगी। यहाँ तक पहले रिकॉल कर लेते हैं कि आदित्य और रोहन अपने आंटी मम्मी की सहेली के घर मणिपुर इम्फाल में आते हैं। मासना को बॉक्सिंग का शौक है, दूसरे दिन जो है वो उसका स्पोर्ट्स डे है। आदित्य और रोहन भी वहाँ पर जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैरी कॉम आने वाली थी। मैरी कॉम से फोटोग्राफ लेकर उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं आप कितने तक यानी कैसे आगे बढ़े। तो जो मणिपुर में 5th नेशनल गेम्स का रचाया